हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं मूँगफली की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो देख सकते हैं, हमने 4 गट्ठे लहसुन को छील लिया हुआ है और 8 से 10 हरी मिर्च ली हुई है। तो सर्दियों का मौसम है तो लहसुन खाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए लहसुन हम ज़्यादा लिए हैं और मूँगफली ली हुई है। तो मिर्ची को हम कट कर लेते हैं, इसका मुँह थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि हमें इसे भूनते समय ये फटे नहीं, उड़े नहीं। तो चलिए, इसका हम मुँह कट कर लेते हैं और इसे हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, दो दो टुकड़ा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इसे दो दो टुकड़ा कर देंगे। तो अब चलिए, हमने कढ़ाई तेल रख दिया हुआ है, तेल गर्म हो गया है। तो चलिए, हम लहसुन और मिर्ची को डाल के भून लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, इसे हम भून लेते हैं अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से हम इसे भूनेंगे। तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि हमारी चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आए। तो आप देख सकते हैं, लहसुन और मिर्ची का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम डालेंगे मूंगफली को और इसे भी हम फ्राई करेंगे। तो इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, मीडियम टू लो पर ही करना है। इससे बढ़िया से मूंगफली फ्राई हो जाएगी, यानी भुना जाएगी। तो बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से भुना जाए मूंगफली। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं मूंगफली का भी कलर चेंज हो गया है। तो हमारी मूंगफली भी भुना गई है। तो चलिए, इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और तो आप देख सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने निकाल लिया हुआ है। अब इसे हम कूटेंगे। तो अगर आपकी उखली बड़ी है तो आप एक बार में सब डाल के कूट सकते हैं। हमारी उखली छोटी है तो हम थोड़ा थोड़ा डाल के कूटेंगे। कूटी हुई चटनी का स्वाद ही कुछ और होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद होता है अगर आप कूट के चटनी बनाए तो। थोड़ा मेहनत तो लगता है पर बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मिर्ची और लहसुन को डाल के कूटेंगे। तो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम कूट लेंगे। तो चलिए, हमने कूट लिया हुआ है सारे चटनी को। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच राई का तेल। राई के तेल से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है चटनी में, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। और इसे मिला लेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो चलिए, इसमें हम नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हम मिक्स कर लेते हैं और एक हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं कि चटनी की रेसिपी